अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत आसान गोभी और गोश्त बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। इसके लिए 1 किलो हमने गोभी लिया और उसको इस तरह से हमने छोटा छोटा काट लिया। 1 किलो हमें गोश्त चाहिए, उसको भी इस तरह से अच्छे तरीके से धो लें आप। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर चॉप कर लें, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज उसको काट लें इस तरह से, 5-6 अदद सब्ज मिर्चें, 1/2 कप हमने यहाँ पर तेल लिया है और 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी हमने लिया है यहाँ पर। इसमें 2 इंच का हमें दालचीनी का टुकड़ा चाहिए, 1 अदद काली इलायची, 10 अदद लौंग और 10 अदद काली मिर्चें और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे जीरा लिया। इस तरह 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 चावल लहसुन को इस तरह से छील लिया आप इसको। तो कुकर में सबसे पहले हम गोश्त को शामिल करेंगे और इसमें तकरीबन 1/2 लीटर पानी शामिल करके तो इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे हमने प्याज शामिल किया है, इसमें लहसुन भी शामिल करते हैं और टमाटर और सारे जो मसाला ज़्यादा नमक मिर्च सूखा धनिया और हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको आप सीटी लगवा लें 5 मिनट। और यहाँ पे जो साबुत गरम मसाला है उसको इस तरह से आप अच्छे तरीके से कूट लें। आप इसको मिक्सर में पीस भी सकते हैं। तो इस तरह से गोश्त को सीटी लग चुकी है, गोश्त हमारा गल गया है। तो अभी जो इसका पानी है उसको हम अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन की पेस्ट, सॉरी, इसमें हमने यहाँ पे जो हमारा लहसुन था वो हमने इसमें कूट के इस तरह से शामिल किया। इसका पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे से पकाएं। यहाँ पे तेल इसमें शामिल करके और अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की हैं और गोश्त जो है उसकी हम अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो इसमें गोभी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। उसके बाद आप इसको इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके, तो आप इसको पानी तकरीबन 1/2 कप इसमें पानी शामिल करके इसको आप कवर करके इतना पकाएं कि ये गल जाए तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमारी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।